अभी ब्रेन मेरिडियन तो है लेकिन वो दो रोल प्ले करने वाली है, तो ब्रेन का प्रॉब्लम है तो भी ब्रेन मेरिडियन से यूज हम लोग करेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है तो भी ब्रेन मेरिडियन यूज। अभी आप बोलेंगे ब्रेन मेरिडियन पे ये दोनों का कैसे हो जाए, तो ब्रेन मेरिडियन का, ब्रेन का अगर प्रॉब्लम है तो ओम एनर्जी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम ब्रेन मेरिडियन पे लेना है तो आपको अभी मैंने जो पहले बताया आ एनर्जी पे काम करना है, तो आ वाले साइड में जाके आपको एक इंटेंशन नीडल लगा के आना। मैं अभी थोड़ा और एक बात करता हूँ आज, वो भी आप पीछे पीछे उसको रिपीट करके देखना है। हम लोग उस दिन बोले कि ऑर्गन ओम है और आहा डिसीज है, आहा वाली एनर्जी है, तो आहा वाली एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, वहां के कंट्रोलर है उस कंट्रोलर का हॉटनेस पॉइंट को हम टच करते हैं, निडल लगाते हैं और फिर यहाँ आके ओम साइड में ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट ओम साइड में हो रही है लेकिन वो आ वाली एनर्जी के हो रही है। या आप आ वाली साइड में हो उधर ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन उधर से ओम वाली एनर्जी को ट्रीटमेंट देना है, तो हम क्या करेंगे, ओम वाली एनर्जी का जो कंट्रोलर है वहां का ब्रेन मेरिडियन, उसके हॉटनेस पॉइंट को हम टच करेंगे, निडल लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला दिमाग में आप बराबर अच्छी तरह से बिठाना है अपने को, कि मुझे मैं ओम साइड में यानी इन साइड में मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ लेकिन एनर्जी आ वाली है, आ वाली यानी यांग एनर्जी की बात कर रहा हूँ, यांग यानी एग्रेसिव एनर्जी, समझो मैं कोल्डनेस पे, लेकिन ओम साइड में मैं कोल्डनेस को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, कौन सी भी मेरिडियन है, यहाँ मैं कोल्डनेस की ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ओम साइड में, कोल्डनेस मुझे सिडेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो कोल्डनेस मेरा यांग कोल्डनेस है यानी एग्रेसिव कोल्डनेस है, और एग्रेसिव कोल्डनेस की ट्रीटमेंट मैं इधर मैं दे रहा हूँ इन साइड में, तो मैं क्या करूंगा, एग्रेसिव कोल्डनेस यानी यांग बाजू, तो यांग बाजू के जो कंट्रोलर है हॉटनेस, उधर के उसके हॉटनेस को मैं टच करूंगा, और फिर ये इन साइड में जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ वो इन साइड की ट्रीटमेंट यांग एनर्जी की ट्रीटमेंट होती है। जैसे हम लोग ने उस दिन लीवर का एग्जाम्पल लिया था, लीवर मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं और लीवर के अंदर मेरे को हीट को सिडेट करना है, यांग हीट है लीवर के अंदर, यांग हीट बढ़ गई है, ऐसा डिसीज है हिपेटाइटिस में, आइटिस इंफ्लेमेशन, यांग दिख रहा है, तो यांग को मुझे कम करना है, यांग हीट को कम करना है, लेकिन मैं लीवर मेरिडियन पे काम कर रहा हूँ तो यांग हीट पे कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यांग साइड में उधर का कंट्रोलर हॉटनेस स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन, उसका हॉटनेस पॉइंट पे मैं एक सीधी निडल लगा होगा, टच करूंगा जो भी है, ग्रीन कलर लगा होगा, कलर से कर रहा, और बाद में इन साइड में लीवर मेरिडियन के हीट को मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन ये हीट मेरी रहेगी कौन सी, यांग हीट रहेगी। तो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को अगर यूज करना आया तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको यूज करेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी और ज्यादा अच्छे मिलते हैं, फास्ट मिलते हैं, नहीं तो अपना हमेशा की तरह आप जाते हो यिन साइड है तो राइट हैंड ले लो, यांग साइड है तो लेफ्ट हैंड ले लो, ये भी करते हैं, क्रॉनिक है तो इन साइड इन वाले मेरिडियन पे ले लो, एक्यूट है तो यांग वाली मेरिडियन पे ले लो, ये अपना फॉर्मूला है ही, यहाँ से भी हम करते हैं लेकिन ये थोड़ा और प्रिसाइजली। तो इसमें जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात हम करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस और पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको ओम बोलते हैं, जो बड़ा काम करती है, बड़ी है ओम, सेंट्रल है इसके लिए ओम है, और पेरिफेरी बाहर साइड में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो हो गई आ या यांग, एक सेंट्रल में है ओम और बाहर है वो यांग आ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल आ और ओम,
तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ और उम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उम बोलेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उम बोलेंगे तो ब्रेन ये आ जाएगा, ब्रेन हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और आ बोलेंगे तो और नर्व कॉर्ड से लेके सब पेरिफेरल नर्व, बाकी के पूरी बॉडी में नर्व जा रहे हैं और नर्व। तो ये पेरिफेरी में सभी जगह सेंट्रल से ब्रेन से जो नर्व जा रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हो, सभी जगह जा रही है। वो अपने मसल में जा रही है सब तरह के, हाथ पैर में जा रही है, ऑर्गन के मसल में जा रही है और नर्वस सिस्टम सभी जगह जा रही है। और एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बाकी इधर से सभी तरह से जो मैसेज आते हैं क्या होता है उसके ऊपर काम करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रली प्लेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रली प्लेस, सेंट्रल में है, केंद्र में। तो केंद्र में ब्रेन है और उसका स्पाइनल कॉर्ड, ये केंद्र में, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाद में उससे जो बाकी के नर्व्स निकलते हैं सभी जगह जाते हैं वो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्यों, और ये सबको ये समझेगा ऐसे नहीं है, हम लोग लेमैन है, हम लोग साइंस वाले नहीं है गए साइंस में, लेकिन थोड़ा स्कूल लेवल पे थोड़ा कुछ किया है वो याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है फिर भी हम लोग आज नए से फिर से देख। क्या बोला हमें, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में, नर्वस सिस्टम यानी चेतासंस्था दो पार्ट में, उसकी जो सेंट्रल जहां सब जगह से सब इंफॉर्मेशन आएगी वहां से फिर बाहर जाएगी, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पार्ट है उसका, उसमें ब्रेन और ब्रेन के ब्रेन से निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड, चेतारज्जु मज्जारज्जु बोलते हैं वो, ये दोनों सेंट्रल में है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अपने सुजोग की भाषा में उसको बोलेंगे उम नर्वस सिस्टम, लेकिन वो उम पार्ट, इन पार्ट, अंदर का पार्ट। और फिर क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दो बाजू से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, नर्व सब निकलते हैं बाहर जाने को, तो वो जो है सब नर्व जो निकलते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी के पास जा रहे, पेरिफेरी यानी बाहर की बॉर्डर की तरफ जा रहे पेरिफेरल, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आ बोलते हैं। तो एक आ नर्वस सिस्टम है, एक उम नर्वस सिस्टम। तो उम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए कुछ भी काम करना है तो अपने पास नर्वस सिस्टम के लिए हम ब्रेन मेरिडियन जो लेते हैं यहाँ, तो ये इनसाइड में मैंने ये ब्रेन मेरिडियन ले ली तो इससे मैं कौन से काम कर सकता हूँ, ब्रेन का भी और स्पाइनल कॉर्ड का भी काम। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ तकलीफ हुई है या ब्रेन में तकलीफ हुई है तो मैं ये ब्रेन मेरिडियन से काम करूँगा, ब्रेन मेरिडियन से, कि समझो स्पाइनल कॉर्ड के किसी नर्व को तकलीफ हो रही है, किसी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा से जो मेन नर्व्स निकलती है वहां तकलीफ हो रही है, तो हम यहाँ से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं ब्रेन मेरिडियन से। तो ब्रेन मेरिडियन से मैं ब्रेन को और उससे निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड, इसकी ट्रीटमेंट में ब्रेन मेरिडियन से करूँगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसकी मुझे ट्रीटमेंट करनी है तो यांग साइड वाली हॉटनेस एनर्जी यानी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बोलते भी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के सब प्रॉब्लम यांग साइड में हॉटनेस स्पाइनल कॉर्ड को लेके हम सब ट्रीटमेंट करेंगे। तो आ और अभी अपना काम जो है हम क्या करेंगे कि जो आ साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड वाली है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में सब जगह जा रही है तो उसके ऊपर अपना काम ज्यादा रहेगा। ये सब एकदम एडवांस एडवांस वाली ट्रीटमेंट में बोल रहा हूं, देखते हैं समझ में आया तो ठीक।
तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर ये सभी जगह बॉडी के अंदर जा रही है, वो आपके सभी ऑर्गन के पास जा रही है और सभी मसल्स के पास जा रही है, हाथ पैर में जा रही है, सभी जगह पूरी बॉडी में ये स्पाइनल कॉर्ड से सब नर्व जाते हैं। हाँ से हा यानी हिट्रो, तो हिट्रो बाहर सब जा रहे हैं, सब मैसेज लेके जा रहे हैं, मैसेज लेके आ रहे हैं, देखने को जा रहे हैं, सब काम कर रहे। जो जाते हैं उसको मोटर बोलते हैं, काम करने के लिए जाते हैं जिधर भी, और काम मोटर शुरू करते हैं उधर, मोटर काम करती है ना, तो मोटर शुरू करने वाले जो यानी बाहर जो संदेशा लेके जाते हैं, मैसेज लेके जो जाते हैं यहाँ से, उसको बोलते हैं मोटर नोड्स। और जो बाकी के सभी पार्ट से मैसेज लेके आते हैं उसके उसको बोलते हैं सेंसरी नोड्स। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे मोटर नोड्स भी उसमें है और सेंसरी नोड्स भी उसमें, मोटर नोड भी है सेंसरी। मोटर नोड यानी कौन से, जो बाहर मोटर कुछ फंक्शन करने के लिए जाते हैं उसको मोटर नोड। यानी मेरे हाथ में, मेरे हाथ को अभी हाथ को ये हिलाना है, ये नजदीक लाना है, तो ये मसल में जो नर्व्स मेरे काम करेंगे, कौन से नर्व्स काम करेंगे, मोटर नर्व। हाथ के ये मसल में मोटर नर्व काम करते हैं, तो इसके लिए मेरा फंक्शन चार। तो ये मैंने हाथ उठाया तो इधर मेरे या हाथ को कोई प्रिक कर रहा है, किसने इसे प्रिक किया, तो प्रिक किया तो मैंने क्या किया, मेरा हाथ को बाजू में लिया, तो ये बाजू में लेने का काम कौन कर रहा है, वहां से ये मसल को कौन बता रहा है बाजू में ले ले, और उसकी एक्टिविटी कौन कर रहा है, मोटर नर्व। लेकिन इसको कैसे समझ में आ गया, तो इसको सेंसेशन मिला था, तो सेंसेशन ब्रेन तक किसने लेके गया, सेंसरी नर्व। तो ये मोटर नर्व और सेंसरी नर्व इधर है, और उन्होंने क्या किया, सेंसरी नर्व ने सेंसेशन लिया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ लेके गया। और सेंसेशन मिलने के बाद ब्रेन ने डिसीजन दिया कि उधर से हाथ हिलाओ, बाजू में ले लो, नहीं तो जो हाथ को प्रिक कर रहा है उसको एक तमाचा मार। ये कौन बताएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और किसको बताएगा, मोटर नर्व। तो मोटर नर्व फंक्शन करेगी, जो कर सेंट्रल नर्वस ने बोला वो करेगी, ब्रेन ने जो बोला है। तो इस सिस्टम समझ में आ गया, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। तो जो मोटर नर्व है वो बाहर जाती है, तो बाहर जाने वाली है उसको हम आहा बोलेंगे, और जो सेंट्रल के पास आ रही है उसको उम बोलेंगे, जो बाहर जाती है उसको आ और जो आ रही है उसको उम। वैसे मसल्स के अंदर भी जो नव काम करती है, मसल्स के अंदर तो मसल की ये मूवमेंट लाने के लिए जो काम करती है, वो जो नव्स होती है उसको हम सोमेटिक नव्स बोलते। मसल्स में सोमेटिक नर्व होती है, और अपने सब जो ऑर्गन है जो काम करते हैं, ऑर्गन मेरा पेट, मेरी पैनक्रियाज, मेरे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी ऑर्गन जो काम करते हैं, उस ऑर्गन को काम करने के लिए जो नर्व्स होती है, मैं ये सब लिख के देने वाला हूँ, ऑर्गन में काम करने वाली जो नर्व्स होती है उसको हम वेजिटेटिव नर्व, वेजिटेटिव नर्व्स। तो वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम है, और एक मसल के लिए होती है हाथ पैर में, हाथ पैर को लोकोमोटर ऑर्गन बोलते हैं, लोकोमोटर मोटर। तो लोकोमोटर ऑर्गन जो रहती है उसको जो काम करती है उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी हाथ पैर में जो काम करते हो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, वहां दो टाइप के नर्व्स काम करेंगे, एक मोटर वाले जो फंक्शन करके ले लेंगे, और एक संदेश
लेके जाने वाले ब्रेन की तरफ, सेंसरी वाले। तो सेंसरी नर्व भी होते हैं और मोटर नर्व्स, किधर? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक जो होती है वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम जो बोलते हैं, ऑर्गन वाले। तो ये ऑर्गन कम काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ऑर्गन को भी कम काम करने को बोलना है, ज्यादा काम करने को बोलना है। तो जो नर्वस सिस्टम है उसको वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और उसमें ज्यादा काम करने को बोलते हैं वो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और कम काम करने को जो बोलती है, रेस्ट लेने को बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इनको मैं चार्ट लिख के जब अब फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, तो और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये अगर अच्छी तरह से समझ में आता है तो इसका यूज भी बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बहुत अलग चैप्टर में बोल रहा हूँ, जो लोग साइंस ग्रेजुएट है उनको तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप साइंस ग्रेजुएट नहीं होने के बाद भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात ये समझ ले सकते। तो फिर से मैं एक बार ऐसे रिपीट करता हूँ, बाद में स्क्रीन पे हम लोग जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नर्वस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट मिले, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं नर्वस सिस्टम की दो ब्रांच, एक सेंट्रल एक पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, आपके दिमाग में विजुलाइज करो क्या कर रहे हैं आप, एक लाइन पे क्या किया, दो एंड में कौन किया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पेरिफेरल नर्वस, दो बाजू में लिख लिया। बाद में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको भी नीचे दो पार्ट में उसको डिवाइड करके दो शब्द लिखे, उधर क्या लिखेंगे, एक ब्रेन है एक स्पाइनल कॉर्ड, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेस। दूसरे बाजू में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपने लिखा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी दो ब्रांचेस। पेरिफेरी तरफ जाने वाले नर्व जो है उसमें कुछ नर्व अपने हाथ पैर के ऊपर जाते हैं, और कुछ नर्व अपने जो ऑर्गन होते हैं अवयव अंग अंदर के उसमें जाते हैं। तो उसके फिर से दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो नर्वस सिस्टम और, एक हो गई एक जो लोकोमोटर यानी हाथ पैर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और एक जो ऑर्गन में जा रही है, स्टमक में जा रही है, ब्रेन को आपके हार्ट को जा रही है, लंग को जा रही है, उधर जो नर्वस सिस्टम जा रहे है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम। तो उधर दो हो गए। और जो सोमैटिक हाथ पैर को जा रहे उसके नर्व दो प्रकार के नर्व फाइबर्स हैं, एक मोटर वाले है और एक सेंसरी। तो फिर उसके दो, मोटर और सेंसरी। और जो वेजिटेटिव वाले हैं ऑर्गन वाले उसके भी दो है, एक सिंपैथेटिक और दूसरे पैरासिंपैथेटिक, ऐसे दो है। सिंपैथेटिक क्या करते हैं, स्टिमुलेशन ऐसे करते हैं कि ऑर्गन ज्यादा काम करे, और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, ऑर्गन को रेस्ट, यानी दिन भर में काम कर रहा हूं तो मेरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम कर रही है, तो ऑर्गन मेरे ज्यादा काम करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। रात को मैं रेस्ट कर रहा हूं तब मेरी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रही है, सब ऑर्गन को रेस्ट दे रही है। ये नेचुरल होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिन भर काम करती है, रात को पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है और आपको रेस्ट देती है। तो ये पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी की बराबर काम नहीं करते, रेस्ट नहीं मिलती है, रेस्टलेस हो जाता है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने रात को ड्राइविंग ड्यूटी से बाहर निकलना है और ड्यूटी पे ही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और रात में वही काम चल रहा है।
वैसे ही काम जाए तो उसका बीपी हाई हो गया, सब कुछ वो होते रहते हैं क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रही है। पैरासिंपैथेटिक का काम चालू करना था लेकिन नहीं हुआ, सिंपैथेटिक ही काम, तो उसके हार्ट बीट बढ़ेगी, पल्स रेट बढ़ेगी, जो है हार्ट भी अभी भी काम कर रहे, बीपी हाई होगा क्योंकि बीपी हाई होने से तो लोग काम करते हैं, बीपी मदद करता है काम करने के लिए। दिन भर बीपी हाई हुआ है और उसके कारण वो काम भी कर रहा है, लेकिन रात को तो उसे नीचे आना था, ड्यूटी से बाहर होना था, नहीं होता है। बॉडी अपने आप कर रही है, बॉडी क्या करती है, आप काम से रात को जब सो जाते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करना काम करती है और पैरासिंपैथेटिक का काम शुरू। तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी, जो सिंपैथेटिक में जो काम किया, बीपी हाई किया था, दिन भर काम के लिए चाहिए, तो ये सिंपैथेटिक का काम करना बंद किया और पैरासिंपैथेटिक ने शुरू किया तो बीपी अपने आप सुबह तक नॉर्मली रह जाता है। ये हमेशा बॉडी के अंदर होता है, जो भी ऑर्गन दिन भर में ज्यादा काम करते रात को नींद में पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं तो उनको रेस्ट मिलती है। तो किसी को अभी ये अगर अपने को मालूम हो गया क्या करना है तो हम क्या करेंगे, जिसकी ये प्रॉब्लम है कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही, तो उस वक्त उसकी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम सिमुलेट कर सकते हैं, सिंपैथेटिक को हम थोड़ा काम डाउन कर सकते, तो उसको नींद की गोली, बीपी की गोली, इसकी जरूरत कम पड़ सकती है। इसके लिए समझना, हमें समझता है तो हम काम करें। तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में आप और भी जिसको लगता है स्टडी करना है वो और भी करेंगे, मैं तो दिशा दे रहा हूं कि इधर हम काम कर सकते। तो स्क्रीन के ऊपर हम ये लिख लेते हैं, बाद में हम चर्चा सर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये ओम एनर्जी होगा ना? हाँ, पैरासिम्पैथेटिक विल बी आर। हाँ, अभी हम लोग वही अभी क्लासिफिकेशन लिख लो। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो, उसका भी सेंट्रल पार्ट को हम लोग उम हॉटनेस बोल रहे हैं और पेरिफेरल पार्ट को आ हॉटनेस बोल रहे हैं। ये आ हॉटनेस बोलेंगे तो ट्रीटमेंट जब हमें करनी है तो स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे हम जाके इसका ट्रीटमेंट करें। इसकी ट्रीटमेंट अगर अपने को करनी है तो हम स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करें और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम उम हॉटनेस की ट्रीटमेंट हम ब्रेन मेरिडियन पे करें। यानी ट्रीटमेंट कहाँ करना है तो ब्रेन मेरिडियन पे। ओम की ट्रीटमेंट ब्रेन मेरिडियन पे और आहा की ट्रीटमेंट स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे ये करेंगे। अभी ब्रेन मेरिडियन तो है लेकिन वो दो रोल प्ले करने वाली है, ब्रेन के लिए भी काम करेगी, ये ब्रेन के लिए भी काम करेगी और स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी काम करेगी ब्रेन मेरिडियन। तो ब्रेन का प्रॉब्लम है तो भी ब्रेन मेरिडियन से यूज हम लोग करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है तो भी ब्रेन मेरिडियन यूज करें। अभी आप बोलेंगे ब्रेन मेरिडियन पे ये दोनों का कैसे हो जाए, तो ब्रेन मेरिडियन का, ब्रेन का अगर प्रॉब्लम है तो उम एनर्जी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम ब्रेन मेरिडियन पे लेना है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम ब्रेन मेरिडियन पे लेना है
तो आपको अभी मैंने जो पहले बताया आ एनर्जी पे काम करना है तो आ वाले साइड में जाके आपको एक इंटेंशन नीडल लगा के आना है आ वाले साइड के लिए। तो आ वाली साइड यानी स्पाइनल कॉर्ड वहां का कंट्रोलर स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन उसके हॉटनेस पॉइंट को आप रेंट करेंगे और फिर ये ब्रेन मेरिडियन पे आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट होगा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। लेकिन आप ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हैं? ब्रेन मेरिडियन पकड़ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट किसकी करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि आपने पीछे जाके आ वाले एरिया में जाके उधर के बॉस को जाके मिलके आए आप, तो अभी ब्रेन मेरिडियन पे ही ट्रीटमेंट देंगे लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड की ट्रीटमेंट हो। और ब्रेन मेरिडियन पे हो और आपको ब्रेन को ट्रीटमेंट देनी है यानी ओम एनर्जी को ट्रीटमेंट देनी, ओम एनर्जी को ही ट्रीटमेंट, तो उस बाजू का ओम एनर्जी का कंट्रोलर उस बाजू में कौन है? ब्रेन मेरिडियन खुद है। तो उसके भी हॉटनेस पॉइंट को आप रेंट करेंगे तो इसका मतलब आप ब्रेन मेरिडियन में ब्रेन को ट्रीटमेंट दे रहे। देखो फिर से एक बार, मैं ब्रेन मेरिडियन मैंने लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए मैंने क्या किया? ब्रेन मेरिडियन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ रहे? ब्रेन भी आ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का ट्रीटमेंट मैं ब्रेन मेरिडियन पे कर रहा हूं। लेकिन अभी ये ब्रेन मेरिडियन मेरे लिए ये दोनों के लिए काम करे। जब मुझे ब्रेन के लिए काम करना है तो ब्रेन मेरिडियन में ब्रेन कौन है? यहाँ इस नर्वस सिस्टम ब्रेन कौन है? वुमेन। तो मुझे ओम पे काम करना है, ओम एनर्जी पे काम करना है, तो इस ब्रेन मेरिडियन में मुझे ओम का काम करना है। तो ये ब्रेन मेरिडियन ओम साइड में है, उधर का कंट्रोलर ओम एनर्जी का कंट्रोलर ब्रेन खुद है, ब्रेन मेरिडियन खुद है। तो उस कंट्रोलर के हॉटनेस पॉइंट को हम इंटेंशन नीडल लगा देते हैं। तो यहाँ हमने ब्रेन मेरिडियन के हॉटनेस पॉइंट को इंटेंशन नीडल अगर लगाई तो मेरी ट्रीटमेंट बाद में मैं जो भी करने वाला हूँ, मैं कोल्डनेस को सीडेट करना है या हॉटनेस को सीडेट करना है जो है वो यहाँ से ब्रेन मेरिडियन के ऊपर जो मैं करूँगा वो काम किसके ऊपर जाएगा? तो ब्रेन के ऊपर। जैसे अभी मनीषा मैडम आप हो, आप सुन रहे हो? हेलो। हाँ वो आइकत है। हाँ तो अभी आप देखो कि आपका वो जो पेशेंट है उसको हाँ, आपको उसके ब्रेन को एक्टिव करना है हाँ, उसके ब्रेन को एक्टिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेन मेरिडियन लिया आपने हाँ, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लिया हाँ, हाँ, अभी उस ब्रेन मेरिडियन का हॉटनेस पॉइंट हाँ हॉटनेस पॉइंट को आपने रेंट किया ओके। तो आपने किसके लिए रेंट किया? ब्रेन के लिए रेंट, ब्रेन के लिए। समझ में आया? ये ब्रेन मेरिडियन में भी आप हॉटनेस को रेंट किया तो आप कहाँ गए? ब्रेन के ऊपर गए। समझ में आ गया? आप ब्रेन के ऊपर गए, फिर आपको मिल गया ब्रेन मेरिडियन ही मिल गया, लेकिन वो मेरिडियन है लेकिन और किसका काम कर रहा है? अभी ब्रेन का काम हो रहा है। ब्रेन मेरिडियन तो ये मेरिडियन एक चैनल है लेकिन आप पर्टिकुलर अभी कहाँ पहुंचे? ब्रेन के ऊपर। अभी उस ब्रेन को आपको क्या करना है? यानी वो ब्रेन मेरिडियन के ऊपर कोल्डनेस सेडेट करना है, ड्राइनेस सेडेट करना है। यस। उधर इन्फेक्शन है, उधर लैक्यूनर इन्फेक्शन कुछ इश्यूमिक। तो आपने को क्या करना है? कोल्डनेस ड्राइनेस सेडेट करना है और वहां की हीट को हॉटनेस को बढ़ाना है। तो उसकी कॉन्शियसनेस और बढ़ जाएगी, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। यस। तो ये हो गया। बाद में क्या करेंगे? उसी ब्रेन मेरिडियन के हीट को रेंट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है। हाँ। और फिर हार्ट मेरिडियन पे जाके आप क्या करेंगे? ह्यूमिडिटी ड्राइनेस सेडेशन
और वेन टोनिफिकेशन सर्कुलेशन के लिए किया। तो इस तरह से हम ये आपको मालूम है आ और उनकी बात, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। yes. अभी सब जो मुझे स्पाइनल कॉर्ड पे ट्रीटमेंट देना था तो मैं क्या करूंगा, ये ब्रेन मेरिडियन पे ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले ये स्पाइनल कॉर्ड यानी आ एनर्जी है, तो आ एनर्जी तो आ वाला जो बॉस है उसको जाके मैं इंफॉर्मेशन दे के आऊंगा इंटीमेशन वहां। तो आ वाला बॉस कौन है, आ साइड में कौन है, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन है। उस स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन के हॉटनेस पॉइंट को मैं रेंट करूंगा सीधी नीडल या ग्रीन कलर, और बाद में आके मैं ब्रेन मेरिडियन को जब ट्रीटमेंट दे दूंगा तो ट्रीटमेंट हो जाएगी अपनी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। किसी को ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टीबी हो जाता है, पॉट्स टीबी बोलते हैं। तो ये हम लोग जो कर रहे हो उस वक्त एकदम एग्जैक्ट काम करते हैं। तो बाद में ब्रेन मेरिडियन पे जो भी काम करेंगे वो सब काम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए आपने यूज किया है स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को यूज किया। आपने स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को यूज किया, तो स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन के अंदर जब आप आर्म एंड लेग की नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो जो मेरिडियन होगी उस वक्त आपको आ हॉटनेस को बोलना पड़ेगा। यानी आपको अगर आर्म एंड लेग पैरालिसिस का पेशेंट है तो उसके आर्म एंड लेग की नर्वस सिस्टम को कुछ करना है तो आपने पहले तो स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को चूज किया। यस बराबर, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को चूज किया यंग साइड में, और yes. बाद में उसी साइड उस स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में आपको हाथ और पैर के भी ये मिलेंगे, हाथ और पैर वाले एक्सट्रीमिटीज वाले ये मिल रहे हैं हाथ और पैर के, और वो ही आपको ऑर्गन वाले मिलते हैं, ऑर्गन वाले भी मिलते हैं। लेकिन हाथ और पैर के लिए जाना है तो आ साइड के है, आ साइड की एनर्जी यानी स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन का हॉटनेस को रेंट करेंगे तो आर साइड के एनर्जी का बॉस मिलेगा, उसको इंटीमेशन दिया, और बाद में स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे काम करेंगे वो वहां की नर्वस सिस्टम पे काम हो जाए, हाथ और पैर के नर्वस सिस्टम पे। और आपको ऑर्गन की नर्वस सिस्टम में काम करना है तो ये स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन वूम साइड में जाके आपको इंटीमेशन देना है। उम साइड में इंटीमेशन देना, यानी उम साइड यानी ब्रेन इन साइड, वहां जाके उसके हॉटनेस को रेंट करके आप आएंगे तब आप स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में जो काम करेंगे वो ऑर्गन के लिए रहेगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपको स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में आपको वहां से आपको एक्सट्रीमिटीज हाथ पैर के भी नर्वस सिस्टम पे जा रहे हैं, और आपके ट्रंक पार्ट में जितने ऑर्गन है और आंखों का कान का सभी ऑर्गन पे आप जाएंगे, वो सभी जगह जाने के लिए आपके पास स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन यानी वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीमिटी वाली जो है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्सट्रीमिटी वाली,
और ऑर्गन के लिए काम करती है वो एजिटेटेड नर्वस सिस्टम। ये दोनों नर्वस सिस्टम आपको कहाँ मिलेगी? स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे। तो मुझे हाथ पैर की नर्वस सिस्टम में जाना है, पैरालिसिस का पेशेंट है, हाथ पैर की नर्वस सिस्टम में जाना है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन की आ हॉटनेस एनर्जी जो है वो आर्म एंड लेग के लिए काम करती है। तो मैं क्या करूँगा, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन और मुझे आ वाली एनर्जी पे जाना है, तो आ वाली एनर्जी का कंट्रोलर, तो आर्म साइड में कंट्रोलर है स्पाइनल कॉर्ड, वो कंट्रोलर है, बॉस है, उसको जाके इंटीमेशन देना, उसके हॉटनेस पॉइंट को जाके टच कर। जब मैं स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन के हॉटनेस पॉइंट को टच करूंगा, तब मेरे लिए अभी जो नर्वस सिस्टम काम करेगी वो आर्म एंड लेग के लिए काम करेगी, आर्म एंड लेग के लिए काम करेगी। फिर और मैं क्या करूंगा, मैं पेशेंट को पूछता हूं कि आपको आपके हाथ पैर में सेंसेशन है क्या, सेंसेशन है क्या? मैं अगर टच करता हूँ, कुछ प्रिक करता हूँ, तो आपको समझ में आता है क्या? वो बोलता है मेरे को समझ में आता है, टच का सेंसेशन मेरे को, इसका मतलब उसका सेंसरी नर्व उसके काम कर रही है और उसको मोटर नर्व जो है मसल को एक्टिव करने के लिए कि हाथ पैर बाजू में उठाना हिलाना डुलाना ये नहीं हो रहा है, कौन तो उधर मोटर नर्व नहीं काम। तो मुझे ये स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन का फिर से आ हॉटनेस, यानी फिर से एक बार आ को मैं टच करूँ, हॉटनेस को टच करूंगा, तो अभी मैं पहुंचा मोटर नर्व से। एक बार टच, दूसरी बार टच, ऐसे करते करते थोड़ा मेरे कॉन्शियसनेस इस तरह से काम करना, और तब मैं जो ट्रीटमेंट दे दूंगा वो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हो जाएगी मोटर नर्व के लिए। तो ये फिर से देखो, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन आपने चूज किया, अभी स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को चूज किया आपने, यांग बाजू की, आहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए आपने स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को चूज किया। फिर मेरे को हाथ पैर पे जाना था, तो हाथ पैर के लिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम होती है, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी आ हॉटनेस होती है, उसके ऊपर मुझे काम करना था। तो मैंने आहा बाजू का कंट्रोलर कौन है मेरे दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन आ बाजू का, तो उसका हॉटनेस पॉइंट को मैंने अभी टच किया और मेरे लिए एक्सट्रीमिटी वाली है नर्वस सिस्टम खुल गई। पहले मैं स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे ही था, लेकिन उसके हॉटनेस पॉइंट को टच करने के बाद मेरे लिए ये खुल गई, और ये खुलने के बाद अभी मेरे लिए वहां कौन बैठे है, सेंसरी नर्व बैठे है, मोटर नर्व बैठे, तो मुझे मोटर नर्व चाहिए। तो फिर से एक बार मैं हॉटनेस को टच करूंगा उसके, तो मेरे लिए मोटर नर्व खुल जाएगी। मेरे लिए मोटर नर्व खुल गई, ये मोटर नर्व को मैं उस वक्त एक्टिव करूंगा, उसको उसमें विंड हीट को बढ़ाऊंगा और ड्राइनेस कोल्डनेस को कम करूंगा, तो वो पैरालिटिक पेशेंट को ज्यादा इसमें आराम, जल्दी उसमें रिकवरी फास्ट हो जाए, क्योंकि आप एग्जैक्ट उस ट्रीटमेंट पे गए, एग्जैक्ट गए, तो आप पैरालिटिक पेशेंट को आप बहुत अच्छी तरह से जल्दी आप उसको ट्रीट कर सकते, फास्ट ट्रीटमेंट हो जाएगी इसको। फिर से एक बार सर, जर एक हात आणि एक पाय असेल तर मग कुठल्या उजवा हात? हां, फक्त जायचं कसं आहे आपण आता बघतोय, हां जायचं कसं आहे बघितलं आपण, कुठे आपल्याला जायचं असेल तर ते जाऊन तिथे जाऊन आपल्याला हे करायचं, मोटर नर्व की सेन्सरी नर्व हे सगळं बघून आपल्याला मग करायचंय पुढे। तर एक बार फिर से एक बार देखते हैं पैरालिटिक पेशंट है और उसके सेंसेशन उसके पैर में है,
उसके हाथ पैर में सेंसेशन है, टच किया तो समझ में आता है, लेकिन हाथ पैर हिलाना नहीं होता है, यानी उसके मसल्स के अंदर जो मोटर नर्व काम करती है वो काम नहीं कर रहे, मोटर नर्व का पैरालिसिस मोटर नर्व है। तो हमारे पास, हम पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जा रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए हमने स्पाइनल कॉर्ड को लिया, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन। अगर कोई किसी को ये ज्यादा समझ में आता है वो डायरेक्ट क्या करेगा, ब्रेन मेरिडियन ले लेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ब्रेन मेरिडियन लेगा और उसका स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन आ है तो आ बाजू में रेंट करके आ जाएगा, आ बाजू का बॉस स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन वहां हॉटनेस को रेंट करके वो ब्रेन मेरिडियन पे ही काम करेगा, लेकिन वो ब्रेन मेरिडियन पे नहीं, वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां से भी कोई स्टार्ट कर सकता, यहां उसने क्या किया, पहला ब्रेन मेरिडियन को लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल के ब्रेन मेरिडियन लिया, और ब्रेन मेरिडियन के बाद वहां उसको जाना था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल के एनर्जी को काम करना है तो पेरिफेरल वाले का बॉस को उसने सिलेक्ट किया, पेरिफेरल वाले का बॉस कौन है, वहां आ एनर्जी का बॉस कौन है, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन। तो स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन उसके हॉटनेस पॉइंट में उसने इंटीमेशन दिया, वहां जाके रेंट किया हॉटनेस पॉइंट, और अभी वो फिर से ब्रेन मेरिडियन पे आ गया, तो ब्रेन मेरिडियन हो जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हो जाएगी। और ये ब्रेन मेरिडियन पे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे है, फिर वो देख रहा है कि मेरे को जाना है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक्सट्रीमिटी की नर्वस सिस्टम में जाना है, एक्सट्रीमिटी की नर्वस सिस्टम आ है, तो फिर से वो आ वाला जो बॉस है स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन उसके हॉटनेस को जाके टच करके आएगा, तो अब वो ब्रेन मेरिडियन काम करेगी सोमेटिक नर्वस सिस्टम आ ऑर्गन आ एनर्जी। फिर से वो देख रहा है ब्रेन मेरिडियन के ऊपर, उसको अभी मोटर नर्व पर काम करना है, तो मोटर नर्व भी आ है, फिर से आ वाले के बॉस का हॉटनेस वहां टच करके आएगा और ब्रेन मेरिडियन पे ही है, लेकिन वो काम रहेगा मोटर नर्व, और वो मोटर नर्व को एक्टिव करेगा, विंड और हीट उसमें बढ़ाएगा। तो अभी कैसे करते हैं, समझो उसको लेफ्ट लेग का पैरालिसिस, लेफ्ट लेग का पैरालिसिस। अभी देखो ये कितनी बड़ी बात है, हमारे में अभी जो फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं उनके लिए देखो कि उनको लेफ्ट लेग में मोटर नर्व की प्रॉब्लम, वो क्या करेंगे, अभी फिजियोथेरेपी से उसको काम करते रहेंगे उसके, लेकिन रिजल्ट जल्दी नहीं होता है। उसी वक्त आप अगर उसके मोटर नर्व को काम कर रहे लेफ्ट लेग का पैरालिसिस, तो अभी सूजक वाला अगर फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, लेफ्ट लेग का पैरालिसिस तो राइट ब्रेन को एक ट्रीटमेंट देगा। देखो कितनी बड़ी बात हो रही है, राइट ब्रेन को एक ट्रीटमेंट उसने दिया, राइट ब्रेन को एक्टिव किया फॉर लेफ्ट एक्सट्रीमिटी। बाद में वो क्या करेगा, अभी लेफ्ट लेग समझो विंड है, तो विंड पे गया, लेफ्ट लेग के गया, लेफ्ट लेग पे विंड पे गया, उसके डिटेल में भी जाएगा, वो कहाँ की मोमेंट नहीं है वहां तक वो पार्ट पे जाएगा, और वहां की नर्वस सिस्टम यानी हॉटनेस को रेंट करेगा, हॉटनेस को रेंट करेगा तो नर्वस सिस्टम खुल गई। अभी उस नर्वस सिस्टम के अंदर उसको क्या करना है, तो मोटर नर्व को उसको अगर ट्रीटमेंट देना है डायरेक्टली, वो दो तीन स्टेप में जा सकता है मोटर नर्व को देख, तो ब्रेन मेरिडियन उसके लिए अगर खुली है तो ब्रेन मेरिडियन का मोटर नर्व के लिए आ हॉटनेस की जरूरत है, तो स्पाइनल कॉर्ड वाले हॉटनेस को टच करके फिर ब्रेन मेरिडियन पे आ जाएगा, और उस ब्रेन मेरिडियन पे वो विंड और हीट बढ़ाएगा, कोल्डनेस को कम करेगा, ड्राइनेस को कम करेगा।
तो उसको उस पेशेंट को जल्दी आराम हो जाएगा। यानी बहुत सारे महीने उसको हाथ पैर हिलाना, उससे एक्सरसाइज लेना, ये काम कम हो जाएगा, जल्दी उसमें आराम मिल जाएगा। और डिटेल में जिसको ये समझ में आ रहा है वो डिटेल में जाएगा और डिटेलिंग करेगा। लेकिन इतना भी करते हैं आप लोग भी कि वहां के हॉटनेस में गया, उसके नर्वस सिस्टम में गया और बाद में सेंसेशन कम है तो ओम सेंसेशन सेंसरी नर्व है तो ओम हॉटनेस, तो ब्रेन मेरिडियन के ही हॉटनेस पॉइंट को रेंट करेंगे तो आपके ओम हॉटनेस ओम खुल जाएगा, यानी सेंसरी नर्व खुल गए। और आप स्पाइनल कॉर्ड के हॉटनेस को रेंट करते हो तो मोटर नर्व खुल गए, काम हो जाएगा, ब्रेन मेरिडियन के ऊपर ही काम करेगा। लेकिन सेंसरी नर्व के लिए ब्रेन मेरिडियन का हॉटनेस पॉइंट को रेंट करेंगे और मोटर नर्व के लिए स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन का हॉटनेस पॉइंट को रेंट करेंगे और बाद में ब्रेन मेरिडियन को ट्रीटमेंट देंगे, तो ये पैरालिसिस वाले को जल्दी आराम मिलेगा। या तो इधर से ऊपर से भी आप करते हो, फिर आप गए मोटर नर्व में गए। अभी ये मोटर नर्व किधर की है, तो लेफ्ट लेग की है। लेफ्ट लेग किधर की है, तो लेफ्ट लेग को आपने विंड पकड़ा था, तो यहां से वैसे जाके फिर यहाँ मोटर नर्व मिल गई, वहां विंड एनर्जी को रेंट किया तो ये मोटर नर्व लेफ्ट लेग की हो गई। इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं, ट्राई करते हो तो ऐसे भी आपको फिर से इसको रिपीट करना है, चर्चा करनी है। अभी ये सब बातें चर्चा आप, मैं भी आपके साथ कितना चर्चा करने वाला हूँ, ये सिखाते वक्त मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी अगर आप कोई पेशेंट को लेके फिर से चर्चा करेंगे तो मेरे को चर्चा नहीं ये हो जाए, एक के लिए मेरे इतना सारा काम ये नहीं है अपना, तो तब आपको जरूरत पड़ती है कंसल्टिंग की। लेकिन इस तरह का जो कंसल्टिंग है बाकी के लोग करते हैं तो अच्छी बात है, एकदम एग्जैक्ट काम हम करेंगे और उसको जल्दी जल्दी रिजल्ट देंगे। अब ये हो गया वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम यानी ऑर्गन वाली नर्वस सिस्टम। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन है यंग जनरेशन में, ये जब होता है स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, उसको खाना बराबर टाइम पे नहीं खा रहे, स्ट्रेस है, खाना का टाइम पे नहीं है, नींद टाइम पे नहीं है, तो ये उसकी वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम काम बराबर नहीं कर रही है। तो उस ऑर्गन की नर्वस सिस्टम में जाएगा, उस ऑर्गन की नर्वस, समझो एलआई की नर्वस सिस्टम में गए, एलआई के हॉटनेस में गए, हॉटनेस यानी नर्वस सिस्टम, एलआई की नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, वो नर्वस सिस्टम अभी ज्यादा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी सिंपैथेटिक है और पैरासिंपैथेटिक दोनों है वहां। तो सिंपैथेटिक जो है आ हॉटनेस और पैरासिंपैथेटिक है वो हॉटनेस। समझो आप स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में हो, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन में थे और आप वेजिटेटिव में आने के लिए ओम हॉटनेस को आपने रेंट किया था, यानी ब्रेन मेरिडियन का हॉटनेस को रेंट किया, तो आपके लिए वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम खुल गई और वो वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, तो आपको ये सिंपैथेटिक का जोर कम करना है, यानी आ हॉटनेस को आपको रेंट करना पड़ेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को रेंट किया उसके हॉटनेस को, और ट्रीटमेंट आप पहले से स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन पे थे तो वहां आप इसको आपने कम करना है, तो क्या करेंगे इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको कोल्डनेस बढ़ाना पड़ेगा, हॉटनेस को हीट को कम करना पड़ेगा, और कोल्डनेस को बढ़ाएंगे तो भी उसकी जो प्रॉब्लम स्ट्रेस लेवल उसकी कम हो जाएगी और उसकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी ठीक से चलेगी, क्योंकि पैरासिंपैथेटिक अपना काम करना शुरू करेगा, उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम कर रही है, तो उसके कारण उसको जो तकलीफ हो रही है
उसका बीपी बढ़ेगा, ये वो सब प्रॉब्लम उसके जो चल रहे हैं, तो आप उसको कितनी हेल्प करेंगे उसको मालूम नहीं है। वो बीपी की गोली लेके भी जितना खुद को उसको जितना फायदा नहीं हो रहा है, उतना फायदा आप बहुत ज्यादा फायदा इसमें आप दे रहे हैं, उसके स्ट्रेस लेवल कम करके उसको बहुत बड़ा फायदा दे रहे हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो उसके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव। या तो क्या करेंगे, वो हॉटनेस ब्रेन के हॉटनेस को रेंट करेंगे तो ये पैरासिम्पैथेटिक खुल जाएगी और वो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करेगी, उसके अंदर विंड हीट को बढ़ाए तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाएगी। लेकिन उसे एक्टिव करने से अच्छा सिंपैथेटिक को थोड़ा डाउन कर लो उसमें, क्योंकि ये तो कॉज है सिंपैथेटिक, ये बराबर काम किया तो पैरासिम्पैथेटिक अपना काम खुद बराबर करेगी। उसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करने से उसके किडनी प्रॉब्लम होती है, उसकी बाकी बीपी की प्रॉब्लम है, उसके सर्कुलेशन, उसकी नींद ना आने की प्रॉब्लम है, यूरिन कम होने की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम सिंपैथेटिक की है, ये सब प्रॉब्लम उसके कम हो जाएंगे। तो ऐसे ये इस लेक्चर को फिर से थोड़ा सुन लीजिए आप, और इसके ऊपर फिर से हम चर्चा करेंगे, कुछ एग्जांपल लेके चर्चा करेंगे, तो और ये ज्यादा बात खुल जाएगी और दिमाग में बैठेगी। ये आ उम करना जो है, हाँ, एक आ एनर्जी फिर उम एनर्जी, आ एनर्जी उम एनर्जी, बात समझ में अच्छी तरह से आ गई तो आप कौन सी भी डिसीज में ये कर सकते हो और एग्जैक्ट आप प्रिसाइज ट्रीटमेंट दे सकते हो। सुजोग का यही सुजोग की ब्यूटी है कि सुजोग में आप प्रिसाइज ट्रीटमेंट करते एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट। एक सर्जन के जैसे आप काम करें तो सर्जन जितना एकदम स्किलफुली उसको काम करना पड़ता है, स्किलफुल रहना है, वैसे हमें भी, हम ये सर्जर ही है, सर्जन के जैसे काम करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर जो मेहनत करते हैं तो उसके फल उसको मिलेंगे, जो चाहे वो कर सकता है। ओके, तो फिर से एक बार सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक देखो अपनी बॉडी क्या करती है। हम लोग किसी पेशेंट को ये पूछते हैं कि भाई आपको अभी स्ट्रेस है क्या, आपका बीपी ज्यादा है तो क्या कारण क्या है, वो बोलते हैं मुझे स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं है और बीपी अभी ज्यादा है। तो ये बीपी कब से ज्यादा हो गया, वो बोलते हैं 10 साल पहले मुझे स्ट्रेस था, तब काम भी ऐसे था और तब मेरा बीपी बढ़ गया था और तब से मैंने बीपी की गोली शुरू की, तो बाद में बीपी नॉर्मल हो गया, अभी बीपी अभी फिर से ऐसे हो रहा है। तो 10 साल पहले देखो जब उसका बीपी बढ़ रहा था तो ये बीपी क्यों बढ़ रहा था, स्ट्रेस के कारण क्या हुआ कि बॉडी बीपी को बढ़ा रही थी और रात को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती थी, वो उसके बीपी को फिर नीचे ला उसकी उसकी रक्षा के लिए। फिर दूसरे दिन क्या होता था, स्ट्रेस है फिर बीपी बढ़ गया, फिर रात को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया उसके बीपी को डाउन किया। ऐसे कितने महीने चालू रहे होंगे स्ट्रेस के कारण, बाद में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपना काम छोड़ दिया रहेगा कि भाई इसको तो हमेशा बीपी हाई साइड में रहना है, इसको मैं रात को इतना काम करती हूँ उसको नीचे खींचती हूँ, ये फिर दिन में बढ़ा लेता है, तो इसके इसकी जरूरत है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसका बीपी कम करने का काम छोड़ दिया तो इसका बीपी बाद में हाई ही रहने लगा, फिर गोली के सहारे कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपना काम छोड़ दिया, इसके लिए हो रहा है। अगर इसको हम मदद करना चाहते हैं तो उसके पैरासिम्पैथेटिक को फिर से एक्टिव करते हैं या सिंपैथेटिक को थोड़ा कम करते हैं तो उसको बीपी की गोली कम लग सकती है, यानी उसका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का जो है बैलेंसिंग करने का वो काम फिर से शुरू हो जाएगा, फिर उसको हो सकता है बीपी की जरूरत गोली की जरूरत ना पड़े। तो ये बात हमें बराबर समझ में आ गई और ये डायरेक्टली आपको ट्राई नहीं करना है, इसके पहले आपको जिसके पास मॉनिटरिंग करने के लिए बीपी का मशीन है वगैरह वो यूज करके वो देख सकता है,
सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक के ऊपर काम करके देख सकता है कि क्या करूं। बाकी आप लोग के लिए, हम लोग बीपी के लिए कोई रिस्क नहीं उठाएंगे किसी के बारे में, जिसका गोली चालू है उसके बारे में हम उसको कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे, आप बंद करो गोली, ये करो, वो हमारी तरफ क्योंकि हम जिस दिन बोले आज बीपी गोली नहीं लेना है और उसी दिन उसको कुछ स्ट्रेस आ गया ज्यादा कुछ और उसका बीपी शूट अप हो गया और आगे कुछ कुछ अगर गलत हो गया उसके साथ तो उसके जिम्मेदार हमको ठहराएगी। तो इसके लिए बीपी की गोली में मैं भी खुद किसी के इंटरफियर नहीं करता, जो चालू है ठीक है वही बोलेंगे हम, लेकिन उसको खान पान के बारे में डाइट के बारे में उनको बता देंगे ताकि उसको बीपी की गोली के कारण भी जो बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको वो मेंटेन रखे डाइट वगैरह बराबर करके, एनर्जी स्ट्रेस वगैरह कम करने के लिए योगासन प्राणायाम जो भी है वो उसको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गोली के बारे में कुछ इंटर। ओके तो ठीक है, आज का लेक्चर फिर से आपको देखना है और फिर इसके एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते, तो यहाँ हम रुक जाए। ओके थैंक यू, गुड नाइट।